अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनेंगे सॉफ्ट मुंह में घुलने वाली पूरन पोली। वो भी गुड से बनेंगे, बहुत हेल्दी है ये। आप भी ज़रूर ट्राई करिए सेम मेथड पे। एक यूनिक रवा यूज़ करके हम सॉफ्ट मुंह में घुलने वाली पूरन पोली बना के खाएंगे। चलिए बनाना शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिवेट करें, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 1 किलो चने की दाल। इसको 7 से 8 घंटे भिगो लेंगे। इस तरीके से सोक करने से दाल बहुत जल्दी गल जाएगी विदाउट प्रेशर कुकर। इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करके स्टोव ऑन करके इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हुए तक इसको पका लें। देखिए हमारी दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है। इस तरीके से प्रेस करने से ये स्मैश होना है, जब तक इसको पका लेना है। इसका पानी जो है उसको निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे गुड़। 1 किलो दाल के लिए 1 किलो गुड़ मैंने ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से स्टोव पे रख के इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पकाना है। इसमें जो निकला हुआ पानी उससे हम रसम बना के खा सकते हैं। मैंने आने वाले वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे गुड़ थोड़ा सा पिघले तक इसको पका लेंगे। इस तरीके से पकाने से हमारा पूरन 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होगा। फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे कुटी हुई इलायची। पकने के बाद स्टोव ऑफ करें, इसको ठंडा कर लेंगे। हमने लिया है यहाँ पर 1/2 किलो पोली रवा। ये इजीली मार्केट में मिल सकता है, इसको बोलते हैं पोली रवा। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके पानी डालते हुए इसको एक सॉफ्ट डो बनाना है। ये पोली रवे से पूरन पोली बना लेंगे तो बहुत सॉफ्ट, बहुत मुंह में घुल जाने वाली पूरन पोली बनके रेडी हो सकती है। देखिए इस तरीके से एकदम लूज कंसिस्टेंसी में हम भिगो लेना है आटा। इसको आटा या सोजी भी बोल सकते हैं। इसमें ऑयल डालते हुए इसको थोड़ी देर मसल मसल कर भिगो लेना है। ऊपर से 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाल के एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम पूरन रेडी कर लेंगे। इस तरीके से उकली में डाल के मैंने पीस लिया है। आपके पास उकली ना हो तो ग्राइंडर में आराम से पीस सकते हैं। पूरन बनके रेडी हैं। टाइट कंसिस्टेंसी में हमारा पूरन रहना चाहिए। इधर हमारा रवा जो है पूरन पोली का रवा, ये भी अच्छे से सोक हो चुका है। एक पॉलीथीन कवर लेंगे, इसमें ऑयल या घी ग्रीस कर लें। इस तरीके से अप्लाई करें। थोड़ा सा डो लेंगे हम, पोली डो। इसको ऑयल से एक बार स्प्रेड कर लेंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से स्प्रेड करें। मिडिल पे रखेंगे हम पूरन, एक साइड से इसको पैक कर देंगे। इस तरीके से कवर कर लें। एक्स्ट्रा जो आटा है इसको हटा लेंगे। ऑयल लेते हुए इस तरीके से हाथों पे अप्लाई करते हुए इसको फैला लेंगे। इजीली स्प्रेड कर लिया है हम, बेलन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अपने हाथों से ही ये पोली के शेप में स्प्रेड कर सकते हैं। देखिए कितना आसानी से हम पतली पतली पोली बना लिए हैं। इसको हम तल लेंगे। डायरेक्ट हम तवे पे नहीं डाल सकते। इस तरीके से एक बड़ा सा मैंने पत्ता लिया है, उस पे डाल लिया है रोटी। अब हम गर्मा गर्म तवे पे डाल लेंगे। दोनों तरफ घी अप्लाई करते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको पलटा पलटा कर फ्राई कर लेंगे। आपके पास पत्ता ना हो तो साइज छोटा करके डायरेक्ट हाथों से तवे पे डाल सकते हैं।
इसको पलटा पलटा कर हम गोल्डन ब्राउन हुए तक फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी पूरी कितना अच्छा फूल चुकी है। इसको और हम फ्राई कर लेंगे। किनारों को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। फ्लेम को लो करें। अब हम इसको प्लेट में लेंगे। देखिए कितनी आसानी से हम पूरन पोली बना लिए हैं। दूसरी भी इसी मेथड पे हम बना लेंगे। देखिए पूरन पोली के लिए जो रवा है उससे हम पूरन पोली बना लेंगे तो बहुत टेस्टी, इजीली हम इसको बना के खा सकते हैं। बेलन की ज़रूरत नहीं है, अपने हथेलियों से, उंगलियों से इजीली इसको स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड करने के बाद पत्ता डालें। इस पत्ते को भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर ले, इजीली ये निकलेगा। अब इसको तवे पे डाल लेंगे। इस तरीके से बड़ा सा पत्ता सबके पास अवेलेबल नहीं होगा। आप पूरन पोली की साइज छोटा करके डायरेक्ट हाथों से तवे पे डाल के इसको फ्राई करके खा सकते हैं। देखिए दूसरी पोली भी हमारी बनके रेडी है। इसको दोनों तरफ अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। ज़्यादातर पूरन पोली मैदा और गेहूं का आटे से ही बनाते हैं। इस तरीके से रवे से ट्राई करें पूरन पोली। इसका टेस्ट कभी भी नहीं भूलेंगे। गर्मा गर्म पूरन पोली के ऊपर थोड़ा सा घी डालें, सर्व करें। खाते जाएंगे, कितने खा रहे याद भी नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन एक्टिवेट करें, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।